नमस्ते दोस्तों, आज हम इंजीनियरिंग के इतिहास के एक ऐसे खौफनाक लेकिन अहम अध्याय में गोता लगा रहे हैं। 1981 का हयात रीजेंसी वॉकवे एक्सीडेंट, ये एक ऐसी आपदा थी जिसने पूरी दुनिया में बिल्डिंग कोड और इंजीनियरिंग के तरीकों को बदल कर रख दिया। जरा सोचिए, कैंसस सिटी मिसौरी, साल 1981, हयात रीजेंसी होटल में खूब रौनक थी। एक डांस कॉम्पिटिशन चल रहा था। ऊपर छत से दो वॉकवे लटके हुए थे जो दर्शकों से भरे पड़े थे। ये एक यादगार रात होनी चाहिए थी खुशियों के लिए, लेकिन ये एक बुरे सपने में बदल गई। शाम के 7:05 बजे बिना किसी चेतावनी के ये वॉकवे नीचे डांस फ्लोर पर गिर पड़े। ढांचों का भारी वजन और गिरने का बल एक भयानक तबाही का कारण बना। कुछ ही पलों में 114 लोगों की जान चली गई और 200 से ज्यादा घायल हो गए। वो मंजर किसी कयामत से कम नहीं था। तो आखिर गलती कहां हुई? शुरुआत में डिजाइन तो काफी मजबूत था, लेकिन यहीं पे मामला गड़बड़ हुआ। निर्माण के दौरान कुछ बदलाव किए गए। घातक खामी वॉकवे के सपोर्ट बीम में थी। पहले एक ही सेट की रॉड से लटकने के लिए बनाया गया था, लेकिन डिजाइन बदल दिया गया और इसकी जगह दो सेट रॉड का इस्तेमाल किया गया, हर वॉकवे के लिए एक। इस अहम बदलाव ने कनेक्टर रॉड पर भार दोगुना कर दिया, बिना उनकी भार सहने की क्षमता का सही आकलन किए। नतीजे बेहद भयावह थे। इस हादसे में न सिर्फ दिल दहला देने वाली जानमाल की हानि हुई, बल्कि इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स को मैनेज और रिव्यू करने के तरीकों में भी जबरदस्त बदलाव आए। ये एक कड़वी याद दिलाती है कि कड़ी टेस्टिंग और ओरिजिनल डिजाइन का पालन कितना जरूरी है, जब तक कि पूरी जांच पड़ताल न कर ली जाए। ये आपदा अब दुनिया भर में पढ़ाई जाती है, ताकि इंजीनियरिंग में नैतिक जिम्मेदारी और बारीक जांच की अहमियत समझी जा सके। हमारे लिए जो भविष्य के इंजीनियर हैं या इसमें दिलचस्पी रखते हैं, ये एक अपील है कि हम अपने प्रोजेक्ट्स में सबसे ऊंचे मानक बनाए रखें, ताकि सुरक्षा सिर्फ बाद का ख्याल ना हो, बल्कि हम जो भी बनाएं उसकी नींव हो। आइए हम अतीत से सीखते रहें, ताकि एक सुरक्षित और स्मार्ट भविष्य बना सकें। देखते रहने के लिए शुक्रिया, और अगली बार तक जिज्ञासु और सतर्क रहें।